मैं सिद्धि जैन, रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड एनडीए 149 अटेम्प्ट फ्रॉम 1AFSB देहरादून। हम सबको पता है कि बचपन के ख्वाब सब लोग देखते हैं और सबके अपने अपने एक विजन होते हैं कि उन्हें बड़े होके क्या बनना है, उन्हें क्या करना है जिंदगी में। इन सारे ख्वाब जो मेरे दिमाग में चलते थे कि मुझे ये जाना है, ये जाना है, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो लगी मुझे फौज में भर्ती होना, मुझे डिफेंस में जाना। जब एनडीए अलाउ नहीं था, पहले तो एनडीए गर्ल्स के लिए अलाउ नहीं था, तो इनिशियली जब मैं 10th में आई तो मेरा प्लान था कि मैं अभी JEE की टेक्निकल पार्ट में जाऊँ और JEE करके BTech करूँ। BTech करने के बाद जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ देन मैं CDS FCAT के थ्रू डिफेंस में जाऊँ। तो मैंने खुद अपने पापा से 10th के बाद कहा कि पापा मुझे कोटा जाना है, तो पापा ने मेरी बात मानी और फिर पापा ने तुरंत ही, पापा ने कभी मुझे आज तक ना कहा ही नहीं किसी चीज़ के लिए, तो पापा ने तुरंत मुझे अगले ही दिन सर्च स्टार्ट कर दी और विद इन 1 week वो मुझे कोटा छोड़ के आ गए। NDA की प्रिपरेशन मुझे IIT JEE से मिली। IIT JEE में भी मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था, तो पापा ने मुझसे कहा कि तुम ड्रॉप ले लो, तुम एक साल और यूटिलाइज करो और ड्रॉप ले लो। तो मैंने ड्रॉप ले लिया और ड्रॉप लेने के बाद मैंने फिर से अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन करी और फिर NDA 148 की SSP की प्रिपरेशन में मेरी ग्रोथ रुक, मतलब जब मैंने ड्रॉप पहले लिया था और NDA मैंने बाद में प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, क्योंकि NDA का रिजल्ट आया था 15 December 2021 को और मैंने JEE का ड्रॉप लिया था 7 October को। मतलब मैंने ड्रॉप पहले ले लिया था, तब तक NDA का रिजल्ट नहीं आया था। जब NDA का रिजल्ट आया तो इवन आप सोच सकते हो कि 2 साल मैंने मेहनत करी, उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप भी लिया। उसके बाद मेरे पापा ने, जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने कहा पापा मुझे अब SSB की प्रिपरेशन करनी है, तो बीच कोटा की पढ़ाई छुड़वा के मुझे लखनऊ ले आए पापा कि मुझे सेंचुरियन आके अपनी NDA की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव NDA है, मेरा मेन मोटिव डिफेंस को ज्वाइन करना था हमेशा से। जब मैं सेंचुरियन आई मैंने यहाँ का एनवायरनमेंट देखा, यहाँ के लोगों से मिली, यहाँ के ऑफिसर से मिली। इफ़ यू आर कॉन्टेक्टिंग विद द लाइव टू लाइव ऑफिसर्स, सो आपकी हैबिट्स, यहाँ पे मुझे बताया गया कि आपको एक हैबिट को इंकल्केट करने के लिए मिनिमम 21 डेज की नीड होती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 21 डेज ऑफ SSB कोचिंग दी जाती थी। जितने भी टीचर्स हमें मिले, जितने ऑफिसर्स हमें मिले, उन्होंने हमें जो गाइडेंस दिया, उन्होंने जो हमें लर्निंग दी विच आर एजेंबलिंग टू योर डे टू डे लाइफ, विच आर एजेंबलिंग टू योर ऑफिसर लाइक एप्टीट्यूड, सो इट ब्रिंग्स मी द मोटिवेशन और इट ब्रिंग्स मी द इंस्पिरेशन हाउ आई चेंज माई सेल्फ, हाउ आई चेंज माई एटीट्यूड टूवर्ड्स बींग एन ऑफिसर। सो मैंने यहाँ पे SSB की तैयारी करी। साइकोलॉजी हमारे शिशिर दीक्षित सर ने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया किस तरीके से हमें साइकोलॉजी में परफॉर्म करना है। कर्नल राकेश शर्मा सर ने यहाँ पे हमें हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन GD, हाउ टू इंकल्केट इन द ग्रुप, ये सारी बातें हमें कर्नल राकेश शर्मा सर ने सिखाई। हर चीज़ का एक मिनिमम टाइम, एक मिनिमम इंटरवल पे हमें प्रैक्टिस दी गई। प्रैक्टिस क्या, आपको यहाँ पे 21 डेज के लिए रहना था। शिशिर दीक्षित सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, एट द लास्ट मोमेंट अप टू आर SSP हमें सपोर्ट मिलता रहा। सर ने हमारे बेसिकली इंटरव्यूज़ भी लिए, उसमें हमें फीडबैक भी देते थे सर। तो इस तरीके से जब मैं यहाँ से ट्रेनिंग करके गई थी तो मुझे एक आइडिया था कि क्या होता है। सैडली बट आई वॉज स्क्रीन आउट फर्स्ट टाइम। मेरे पापा मम्मी ने मुझ पर पैसे लगाए थे और पहले बार मेरी मेहनत बेकार गई। खुद को कितना दर्द हुआ होगा जब पहले ही दिन आप बाहर निकल के जाते हो तो यू वर शैटर्ड। मतलब लेकिन मैं क्या था कि मैंने सोचा कि यू हैव वन मोर अटैम्प्ट, अभी एक दिन में यू कांट से दैट यू डोंट हैव इट इन यू, बिकॉज यू नो योर सेल्फ दैट यू हैव इट इन यू एंड यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर। सो आई डिसाइडेड माई सेल्फ, आई प्लान माई स्ट्रेटेजी। एक कहावत बहुत अच्छी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि लोग आज आप अच्छा कर रहे हो तो भी टोकेंगे और आप गलत कर रहे हो तो भी टोकेंगे, लेकिन आपको जो करना है वो आप करो, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे जो आपको करना है तब तक आप कुछ बन नहीं सकते। मैंने अपनी खुद की वीडियो बनाई, अपनी कमियों को एनालाइज किया और उस पर वर्क करना स्टार्ट किया और NDA 149 के लिए मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत समझाया किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर किसी के सामने रखने होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को आपने कभी ना कभी तो सीखना होता है। तो मेरे टीचर्स, मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, इवन मेरी पूरी फैमिली ने मुझे आगे बढ़ने में हमेशा ही हेल्प करी है। क्योंकि अगर आप में करने की चाह है ना तो आप अगर कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, बस हिम्मत मत हारना, क्योंकि मुसीबतें सबकी
आपकी लाइफ में आती हैं, लेकिन मुसीबतों से कहो कि टाटा बाय बाय, क्योंकि हम आपके ऊपर है। क्योंकि अगर आप मुसीबतों से ऊपर हो ना, तो वो अपने आप ही डर के भाग जाती हैं। और मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा हुआ है, जब भी आप आगे बढ़े हो, गॉड आपके लिए हमेशा आपके रास्ते खुद ओपन रखता है, बस नजरिया होता है। तो आप सोच बदलोगे ना, तो आपका नजरिया बदलेगा, और नजरिया बदलेगा तो चीजें आपकी अपने आप ही आसान होती जाएगी।